बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कमर हुसैन। नाज़रीन, चूंकि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट यानी FSC का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, तो उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो एडमिशन्स का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। तो मेरे आप यूट्यूब चैनल यानी यूट्यूब जो अकाउंट है, इस पर जाके मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, नर्सिंग हूँ, इंजीनियरिंग हूँ या BS प्रोग्राम्स में हूँ, तो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मौजूद हैं हर यूनिवर्सिटी की, हर कॉलेज की, जिसमें आपकी नर्सिंग की हर शामिल हैं, तो वो आप देख जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ पे कमेंट्स आ रहे थे, सर ये बताएं कि मेरे जो नंबर मार्क्स हैं इतने हैं, 60% है, 70% है, 85 है, 90% हैं, तो क्या मेरा इस डिपार्टमेंट में एडमिशन हो जाएगा, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, पहले कभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये चीज़ कही जा सकती है कि आप लास्ट ईयर मेरिट देख के कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि डायरेक्टली परफेक्टली आपका इस डिपार्टमेंट में हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो है कोशिश यही करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट जिनमें आपका इंटरेस्ट है तो आपने अप्लाई कर देना है, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें, ताकि जिस यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट बन जाए आपकी इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर एडमिशन ले लें। ये सबसे अच्छा और जो गुड आंसर है ना, इसका यही है कि आप उस डिपार्टमेंट में या किसी एक डिपार्टमेंट में लेना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में उसी डिपार्टमेंट में उसी सब्जेक्ट में जो है वो अप्लाई कर दें। उसके बाद जब लिस्ट लगेगी तो उसमें किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आपका नाम आ जाएगा।